तो वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अश्विनी जी, कल की जो प्रोसीडिंग्स हुई, कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उससे क्या लबोलुभाव एक समझा जाए कि क्या जो हिंदू पक्ष के दावे रहे हैं वो कमजोर पड़ते हैं या वो दावा कहीं ना कहीं धरती पर उतरता है, जमीन पर उतरता है? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी तक जहां लोग ये नहीं मान रहे थे कि वो शंकर जी का मंदिर है, ट्रायल कोर्ट ने भी मान लिया शंकर जी का मंदिर है। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे नहीं लगाया, तो हाई कोर्ट ने भी अफर्म कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी कहा कि भाई ठीक है, नमाज हो, लेकिन जो भगवान शिव का जहाँ पे लिंग है, शिवलिंग जहाँ पे है, उसको प्रोटेक्ट करें, डीएम की ड्यूटी लगा दिया। तो तीनों कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों ने पहली बार ये अफर्म कर लिया कि हाँ भाई, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। अब बात आती है जो दूसरी दलील, जो मुस्लिम पक्ष की है, जो लगातार यहाँ दलील दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर पूजा स्थल कानून लागू होता है। तो पूजा स्थल कानून तब होगा जब पहले आप जिसको कह रहे हैं वो पूजा स्थल होगा, यानी पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिसको आप मस्जिद कह रहे हैं वो मस्जिद है। लेकिन फिर कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने वाला है, तो क्या हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की दलील तो पूरी आ चुकी है, सबको मौका भी कल के दिया गया है। आप इसको मुस्लिम पक्ष मत कहिए, मुसलमानों का क्या लेना देना, मुसलमानों के लिए आस्था का केंद्र नहीं है, हिंदुओं के लिए काशी मथुरा आस्था का केंद्र है, क्योंकि काशी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मुस्लिम्स जानते भी हैं, समझते भी हैं कि ये जो काशी हुआ या मथुरा हुआ या ज्ञानवापी हुआ या जौनपुर का टाला हुआ, ये अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ। ये तो चंद लोग हैं जो वहाँ, एक तो नेता जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसको हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, दूसरा वो चंद लोग जो वहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और हर साल करोड़ों रुपए देश विदेश से वहाँ चंदा उनको मिल रहा है। वो चंदेबाज जो है ना, जो चंदा चोर है, वो चाह रहे हैं कि पूरा मामला हिंदू मुसलमान हो जाए। हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, भारत के मुसलमान समझते हैं इस चीज को। सुमित के साथ विकास चंद्र।